बॉलीवुड में शाइनी आहूजा पर बायोपिक। बॉलीवुड में इन दिनों बायोपिक फिल्मों का दौर चल रहा है और ऐसे में कलाकारों की जिंदगी पर भी बायोपिक बनाने की तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में अब एक और नाम सामने आया है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इनकी जिंदगी पर भी बायोपिक बन सकती है। ये है शाइनी आहूजा, जो एक वक्त में बॉलीवुड के सफल सितारे माने जाते थे, लेकिन घरेलू नौकरानी के साथ कथित और पर बलात्कार के मामले में आरोपित होने के बाद शाइनी का कैरियर पतन में चला गया। कुछ वक्त पहले उनको फिल्म वेलकम की सिक्वल में देखा गया था, जिसे उनकी वापसी वाली फिल्म माना जा रहा था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म असफल रही और शाइनी का नाम फिर से गुमनामी में डूब गया। खबर मिल रही है कि एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस उनकी जिंदगी पर बायोपिक बनाना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक शाइनी आहूजा से संपर्क किया गया है और शाइनी के रेस्पॉन्स का इंतजार किया जा रहा है। शाइनी से अनुमति मिल गई तो अप्रैल से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा और इसे 2 महीने के नॉन स्टॉप शेड्यूल में बनाकर तैयार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार शाइनी पर लगे बलात्कार के मामले को इस बायोपिक में सबसे ज्यादा जगह मिलेगी। कहा जा रहा है कि शाइनी चाहते हैं कि इस बायोपिक में उनको बेकसूर दिखाया जाए, जबकि फिल्मकार ऐसा नहीं चाहते। मुमकिन है कि इसे लेकर शाइनी से एक और मुलाकात में इस विषय पर चर्चा करके कोई हल निकाला जाए। शाइनी आहूजा को सुधीर मिश्रा की फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी में लॉन्च किया गया था। उनको पहली सफलता महेश भट्ट की कंपनी में बनी अनुराग बसु की फिल्म गैंगस्टर में मिली थी, जिसमें शाइनी की जोड़ी कंगना के साथ थी।